नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मीना, आपकी दोस्त, और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। और उज्जैन दर्शन में दोस्तों, मैं आज आपको लेकर आई हूँ काल भैरव से कुछ ही दूरी पर स्थित शमशान के किनारे बैठे विराजे विक्रांत भैरव के दर्शन के लिए। तो चलिए चलते हैं विक्रांत भैरव के दर्शन के लिए, और साथ ही आपको यहाँ का कुछ इतिहास भी बताते हैं। नदी के किनारे शमशान में स्थित है ये भैरव मंदिर। यहाँ दूर दूर से साधना करने आते हैं तांत्रिक। यूं तो हमारे देश में भगवान काल भैरव के अनेकों मंदिर हैं। इनमें से कई मंदिर अपने चमत्कार के लिए प्रसिद्ध हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी एक ऐसा ही काल भैरव मंदिर है जो तंत्र साधना के लिए माना जाता है, और यही वो मंदिर है विक्रांत भैरव का। यहाँ मिलती है तंत्र सिद्धियाँ। यह मंदिर उज्जैन के भैरवगढ़ क्षेत्र में नदी के किनारे स्थित है। इसे विक्रांत भैरव का मंदिर कहा जाता है। यह मंदिर तंत्र साधना के लिए प्रसिद्ध है। मान्यता है कि इस स्थान पर की गई तंत्र साधना बहुत ही जल्दी पूरी होती है। दूर दूर से तांत्रिक इस स्थान पर सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए साधना करने आते हैं। रात के अंधेरे में जब तांत्रिक इस स्थान पर तंत्र क्रिया करते हैं तो यह दृश्य किसी के मन में भय उत्पन्न करने के लिए काफ़ी है। और चलिए दोस्तों, इस वक्त मीना आपको लेकर आई है विक्रांत भैरव के मंदिर में, और अब आप दर्शन करेंगे विक्रांत भैरव के, जो काल भैरव के भ्राताश्री हैं। पंडित जी ने हमें बताया कि एक समय की बात है कि विक्रांत भैरव को भी जब दारू की बोतल इनके सामने रख दी जाती थी तो ढक्कन अपने आप खुल जाता था। विक्रांत महाभैरव मंदिर के बारे में जनश्रुति है कि यह मंदिर 3-4 शताब्दियों पूर्व यानी 300-400 साल पहले एक विशाल भैरव मंदिर रहा होगा। मंदिर के आसपास विद्यमान अति प्राचीन मूर्तियां स्वयं अपने को अपनी कहानी बताती हैं। इस मंदिर की खास विशेषता यह है कि यहां पर एक बाबा रहा करते थे जो मुख्य तांत्रिक थे। वह सिर्फ इसी स्थान पर नहीं बल्कि विश्व भर में प्रसिद्ध थे। उनका नाम था बाबा डबराल। उन्होंने कई तांत्रिक क्रियाएं यहाँ की और उनका प्रभाव विदेशों तक गया। सभी लोग विक्रांत भैरव के उपासक के रूप में उनकी ख्याति को स्वीकार करते थे। उन्होंने बताया था कि श्री स्कंद पुराण में उल्लेख है कि एक बार माँ पार्वती जी भगवान शिव से आवंती क्षेत्र के प्रमुख देवताओं और तीर्थ को वर्णन करने का निवेदन किया। तब महादेव जी ने कहा कि यहाँ शिप्रा सहित मेरी 4 प्रिय नदियाँ हैं। यहाँ 84 लिंगों के रूप में जितने भी शिव निवास करते हैं, और 8 भैरव है, 11 रुद्र है, गणेश और 24 देवियाँ हैं। यहाँ की सिंदूर चर्चित मूर्ति बहुत अधिक प्रसिद्ध है और यह स्वयं सिद्ध है। यहाँ का जो शमशान है वह पूरी तरह जागृत है, और सती माता के पूज्य चरण यहाँ पर आना अपना महिमा मंडन करवाते हैं। यह स्थान बाबा डबराल के कारण भी बहुत अधिक प्रसन्न हुआ था। और उज्जैन के किसी भी मंदिर में शिव जी विराजमान ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर अति प्राचीन शिव का मंदिर है दोस्तों, देख सकते हैं आप। आशा करती हूँ मीना के साथ आपने इस तंत्र से भरे मंदिर विक्रांत भैरव के दर्शन के लाभ प्राप्त किए होंगे, जो कि शमशान के किनारे स्थित है। वीडियो पसंद आया हो, ये यात्रा पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में बहुत जल्द एक और यात्रा पर लेकर आपको चलूँगी। तब तक के लिए मीना को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय श्री महाकाल।